देखिए, वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज़ फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी जो मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए, ताकि ये असर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और पानी काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ़ जो काम हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं, और इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जी, जो चेयरपर्सन हैं JNK वक्फ बोर्ड की, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमने जायज़ा लिया है पूरी जो इश्यूज़ हैं ईदगाह के और इस पूरे ग्राउंड को। ये काफ़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है और इसमें जितने यूटिलिटीज़ हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।